देशमुख पांडे दुबई से खूब पैसा कमाकर अपने गांव लौट आया। जितना भी दूसरे देश में रहो, अपनी गांव में रहने का मजा ही अलग है। अब जितने दिन रहेंगे यही रहेंगे। सुनिए जी, दीपिका शहर में पली बड़ी है, उसे ये जगह अच्छी नहीं लगी तो? अरे तुम चिंता मत करो, ये गांव अब वैसा नहीं रहा जैसे हम देखे थे, बहुत बदल गया है। दीपिका को यहाँ अच्छा लगेगा। वो सब तो ठीक है, बेटी अब बड़ी हो गई है, शादी की उम्र भी हो गया, उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढना होगा। मैं खबर लगाती हूँ। उतने में दीपिका घर आती है और ये सब सुन के, ये क्या पापा, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की और आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं एक गांव के लड़के से? यहाँ के लड़कों के पास BMW, मर्सिडीज कुछ भी नहीं है, नाम भी कभी सुने नहीं होंगे ये लोग, कहकर गुस्से से अपनी कमरे में चली गई। उसी गांव का रहने वाला प्रेम कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज खत्म होने के बाद वो खेत में खेती करके अपने पिताजी का मदद करता था। अरे बेटा, तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, खेत का काम मैं संभाल लूंगा। नहीं पिताजी, आपकी उम्र हो गई है, पढ़ाई के साथ साथ काम में भी हाथ बटाओ तो आपको थोड़ा मदद हो जाएगा। एक दिन रात को दीपिका घर लौट रही थी कि अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, यहाँ तो ओला उबेर भी नहीं है। तभी प्रेम ट्रैक्टर पर अपने घर जा रहा था। दीपिका को देखकर उसने कहा, अरे मैडम, इतनी रात को आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई। ओह, मुझे तो गाड़ी ठीक करना नहीं आता और इतनी रात में आपको यहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं। आप एक काम कीजिए, मेरे ट्रैक्टर पर चढ़ जाइए, मैं आपको घर पहुँचा देता हूँ। क्या, उस खटारा ट्रैक्टर पर? कभी नहीं। अब आपकी मर्जी, यहाँ रात भर खड़े रहना है या घर जाना है। फिर वो प्रेम की बात मानकर ट्रैक्टर पर चढ़ जाती है। अरे बेटा, तुम इतनी देर क्यों लगा दी? मेरी गाड़ी रास्ते पर खराब हो गई और आप ऐसी जगह पर रहने आ गए जहाँ रात क्या हो गया कोई कैब नहीं मिलता, उस खटारा ट्रैक्टर में मुझे आना पड़ा। अरे बेटा, ये शहर थोड़ी है कि आते जाते तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी। इसीलिए हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा कोई ख्याल रख सके, हमारी उम्र अब बढ़ रही है। ठीक है, एक शर्त पर कर सकती हूँ, शहर और गांव के लड़कों के बीच एक कार रेस होगा, अगर यहाँ का कोई लड़का जीत गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी। दीपिका की इस शर्त पर पांडे और उसकी बीवी राजी हो गया। चलो अच्छा है, यहाँ के लड़कों के पास कहाँ महंगी गाड़ी होगा, मेरी शादी तो किसी शहर के लड़के से ही होगी। अगली सुबह गांव में एक कार रेस का प्रचार हुआ। सुनो सुनो, गांव में एक रेस होने वाला है, जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है वो इस रविवार को मैदान पर आ जाए, रेस में जो जीतेगा उसी से दीपिका पांडे की शादी होगी। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, रेस में जीत गया तो इनाम में बीवी मिलेगी, तब तो मैं ही ये इनाम जीतूंगा। फिर रविवार को सब सुपर कार रेस के लिए मैदान पर खड़ा था। तभी प्रेम अपने ट्रैक्टर को लेकर वहां आया। अरे बेवकूफ, तुझे क्या यह खेत नजर आ रहा है जो ट्रैक्टर लेकर रेस खेलने चला आया? तुम लोगों के पास सुपर कार है इसीलिए तुम लोग उसे लेकर आए, मेरे पास ये ट्रैक्टर है तो मैं ये लेकर आ गया। अब रेस शुरू होता है, 1, 2, 3 एंड गो। कुछ दूर जाने के बाद प्रेम ने अपनी ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ाई।
और वो सबसे आगे निकल गया। ये देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। तो इस रेस के विजेता है मिस्टर प्रेम कुमार। पापा, मैं इस ट्रैक्टर वाला से शादी नहीं करूंगी। बेटा, महंगी गाड़ी इंसान कभी भी खरीद सकता है, लेकिन अच्छा इंसान किस्मत वालों को ही मिलता है। प्रेम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने हिम्मत करके इन सुपरकार के बीच अपना ट्रैक्टर लेकर आए। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सारी जमीन देता हूँ और इसके साथ साथ मेरी बेटी की शादी तुमसे ही होगी। तुम्हारे जैसे लड़के ही तो हमारे गांव के नाम रोशन करेगा। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हुई और सब खुशी खुशी रहने लगे।